आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पहले 3 इयर्स बाद और फिर अभी 6 मंथ बाद वीडियो डाल रहा हूँ मैं। आई होप ये एल्गोरिथम चलता रहा तो कभी हर वीक वीडियो डाल पाऊंगा। वैसे एटलीस्ट 1 मंथ में एक वीडियो तो होना ही चाहिए। पहले मैं ऐसा सोचा करता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी यूट्यूब का स्टूडियो सेटअप कर लूंगा, अच्छा वेबकैम ले लूंगा, अच्छा माइक ले लूंगा, देन शुरू करेंगे। बट अभी तक इतना तो समझ आ गया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मिले जितना है उतने में शुरू कर पाए तो ठीक है, आगे कुछ हो सकता है, नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं होता है। यही सोच के मैं फिर से वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ। अभी तक इन दिनों बहुत कुछ हो गया। मैं आईआईटी पटना में था पहले, अभी आईआईटी दिल्ली ज्वाइन कर लिया, और भी बहुत कुछ। वैसे मैं वीडियो तो नहीं, मैं शॉर्ट्स डालते रहता था, और शॉर्ट्स तो डालता ही रहूँगा बीच बीच में। जैसा मेरा नाम है मेरे यूट्यूब चैनल का, साइंस विद सेज, तो नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे साइंस भी होगा, एंड सेज मीन्स समथिंग लाइक स्पिरिचुअलिटीज। तो मैं यदि बात करूँ कॉलेज में प्लेसमेंट को लेके, CSIT की कितनी कंपनी है, सबको पता होगा क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या है, तो बहुत लोग गाइड करने आते हैं। एंड इंजीनियरिंग कर लिया कोई गवर्नमेंट कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से, NIT, IIT कहीं से भी, तो मैक्सिमम बच्चों को ये होता है कि मुझे जाना है, जॉब लेना है, एंड जाके कॉर्पोरेट लाइफ में काम करना है, या कुछ हो गया अधिक तो गवर्नमेंट जॉब सोच लिए। बट बहुत कम लोग है जो रिसर्च में देखते हैं, सोचते हैं हायर स्टडीज करेंगे, रिसर्च में जाएंगे। बहुत लोग करने भी आते हैं तो भी वो भी छोड़ देते हैं। बट अल्टीमेटली आप देखो तो रिसर्च ही बेस है सब चीज का। तो रिसर्च पे फोकस कहाँ कोई करना चाहता है, कोई नहीं करता है। हम हायर स्टडीज करना ही नहीं चाहते, सबको क्विकली जॉब चाहिए। एंड जॉब ठीक है, पैसा बहुत जरूरी है, बट यू नो रिसर्च जितना पैसा कहीं नहीं है। रामायण महाभारत, इवन भगवद गीता का कहानी सबको पता होगा, सब कुछ समझ में आता होगा लोगों को। हाँ, राम जी ऐसे किए, जो भी था लॉर्ड कृष्णा के बारे में। बट मैं उसके बेसिक फंडामेंटल्स की बात करूं, जो कि वेदांता से आता है, जो उपनिषद से आता है, उस पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। तो मैं उस टॉपिक को यहाँ पे मैं लाना चाहता हूँ। मेरा पर्पस यूट्यूब चैनल बनाने का यही है कि मैं उन सब टॉपिक को लाना चाहता हूँ आगे, जिसपे कि फोकस नहीं है लोगों का, और वो बहुत जरूरी है। लाइक एंड आई नो वेरी वेल दिस टॉपिक्स वॉन्ट लेट माई चैनल ग्रो, बट इट्स ओके, आई विल डू दैट। क्या कर सकते हैं सब कोई छोड़ देगा तो फिर कैसे काम चलेगा, किसी ने किसी को तो करना ही पड़ेगा। अब मुझे पता है मैं एंटरटेनमेंट वीडियोस बना लूँ, इवन IIT दिल्ली में जाकर भी ब्लॉगिंग कर लूँ, तो भी अच्छे खासे चैनल ग्रो हो जाएंगे। बट मैं कुछ एजुकेशनल टॉपिक पे बात करूँ तो मुश्किल होगा चैनल ग्रो कर पाना। बट ठीक है, चैनल ग्रो कर पाना बहुत ज़्यादा फेम नहीं चाहिए, कुछ लोग मोटिवेट हो जाए जरूरी है, इतना ही काफी है। स्पार्क मिल जाए किसी को, क्या पता सोशल मीडिया तो सबके पास है अभी, क्या पता कोई दूर बैठा, कोई गांव का बच्चा जान जाए कि IIT क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। कोई लड़का कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, उसके पास कोई सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके होंगे, उसको समझ नहीं आ रहा हो क्या करे, वो बिल्कुल हर तरफ से कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा, क्या पता उपनिषद का कोई बात उसे अच्छा लग जाए, क्या पता एक स्पार्क मिल जाए उसे फिर से कुछ करने का। तो बस इसीलिए करना है, और कोई लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा फेम मिल जाए, थोड़ा तो कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। और ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा कि मैं इस लायक हूँ कि साइंस टेक पे बात कर पाऊँ, आध्यात्म जैसे इतने बड़े टॉपिक में बात कर पाऊँ, वेदांता पे बात करूँ, उपनिषद पे बात करूँ, मैं इतना ज्यादा मतलब नहीं हूँ। बट जितना सीखा हूँ, जितना भी मुझे पता है, इससे किसी का फायदा हो रहा है तो ठीक है, मतलब हो जाए, आई विश। तो बस इसीलिए है।